पल्लवी जी, आपकी जो आपत्ति आपने तीन बताई उनको तो दोहराइएगा। अब सवाल ये है कि पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के बयानों की एक लिस्ट बनाई जाए और उस पर चर्चा की जाए कि वो बात बीजेपी के नेताओं को या बीजेपी को कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। ठीक इसी तरह से ये चर्चा भी है कि क्या विपक्ष की पार्टी के नेता को विरोधी पार्टी के लिए जो उनको लगता है उनकी सोच है वो बात अगर कही गई है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, जैसे कि अभी धीरेन जी भी कह रहे थे, आपको जो भी आपत्ति है, आपने कहा कि आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है, आपको चाइना और इंडिया की तुलना करनी है। ठीक है, कीजिए। एक बार आप तुलना कीजिए हिमाचल प्रदेश की भी उत्तर प्रदेश के साथ। आपने वो क्यों नहीं किया? आपको बिल्कुल अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, इकोनॉमी की बात हो रही थी, आपको उसका भी एग्जाम्पल देना चाहिए। क्या स्थिति है इस समय हिमाचल प्रदेश की, कर्नाटक में महंगाई की क्या स्थिति है, ये सब बातें भी रखनी चाहिए। आपस देश में ही बहुत सारे राज्य हैं जिसके बीच में आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। क्या जरूरत है आपको चाइना से तुलना करने की? विदेश में बैठ के आप तुलना कर रहे हैं। और इस समय चाइना जो है, चाइना की यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, आप संविधान की बात कर रहे हैं, देश के बाहर जाके आप संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान की यदि बात की जाए तो संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन यदि किसने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात आप कर रहे हो, इमरजेंसी किसने लगाई? आपने लगाई। आपने विपक्ष के मुंह पे लॉक लगाने का काम किया कि देश है तो सिर्फ आप हैं, आपके विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता, आपके विरुद्ध जो जाए बोलेगा वो जेल में जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको ये बात भी बतानी। जी हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस तो यदि यदि आप संविधान की बात करें तो विस्तार से बात कीजिए। संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन आपने किया, संविधान जी, इमरजेंसी किसने लागू किया? मेरे आपने सवाल किया। का जवाब नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं आपकी बात में पल्लवी जी, नहीं, मेरा मैं ये आपको कहना है। सारी आपत्तियां, मीना जी आपने कहा था आप अपनी आपत्तियों को एक लिस्ट बना के रखिएगा, बिल्कुल मैं उसका जवाब ही दे रही हूँ। उसके बाद आपने कहा कंपैरेटिव स्टडी की बात की कि भाई इंडिया और चाइना की तुलना गलत क्या है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तुलना गलत क्या है? इस समय जो स्थिति आपने बना के रखी है, जो आपकी शासित राज्य है उसकी तुलना भी आप करके दिखाइए, जो दूसरे जो राज्य हैं जो डेवलप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उससे भी आप एक कंपैरेटिव स्टडी करके उसको भी बताइए। आप वहां संवाद कर रहे हैं, आप छात्रों को समझा रहे हैं, तो आप वहां की भी इकोनॉमिक स्थिति क्या है बताइए। वहां पे मुख्यमंत्री जी किस तरीके से संभाल रहे हैं आपके प्रदेश को? कभी वो रिजाइन करने की बात करते हैं, कभी दूसरी चीजें बढ़ती हैं, महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, डीजल पेट्रोल आप पूरे देश में आग लगा रहे हैं कि डीजल की। आप डायरेक्शन छोड़ रहे हैं, आप नहीं, मैं डायरेक्शन मत बिल्कुल छोड़, डायरेक्शन नहीं, नहीं मीना जी, मीना जी मैं आप सिर्फ एक ठीक कर रहे एग्जाम्पल हैं। दे रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यदि आप बाहर जाके देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे ये बात तो हो गई, अर्थव्यवस्था की हैं, बात हो गई, अर्थव्यवस्था की बात हो गई, आपकी संविधान भी बता आपत्ति दिया मैंने भी आपको। है। बाकी इसके बाद आपको क्या दिक्कत है? राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जो संविधान आपने मैंने बता बताया दिया, हाँ ठीक है, संविधान, इसका मतलब आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपकी बिल्कुल बात जो संविधान हो कंप्लीट, गया, हाँ अर्थव्यवस्था हो गई, बेरोजगारी हो गई, गरीबी हो गई, चार चीजें जो मैंने मुख्य रूप से आपको बताई। जी।